नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनों की तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे पास में काफी सारे लोग आते हैं कि जो मतलब उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो वो खुद होके आते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम्स के लिए हमको काउंसिलिंग करो, या फिर काफी सारे फोन हमको भारत देश से आते हैं कि हमको टेलीफोन के ऊपर काउंसिलिंग करो। उनको काफी सारे प्रॉब्लम्स है जिंदगी जीने के समय, कुछ ना कुछ आते रहता है। अपने अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस में प्रॉब्लम है, स्ट्रेसेस है, टेंशन है, और उसके लिए लोग काउंसिलिंग करते रहते हैं। कुछ लोग जो आते हैं वो इसलिए आते हैं कि हमको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। और कौन सी चीजें भूल जाते हैं कि एक तो भाई किसको मैंने बोला है कि मैं हाँ ये काम करूंगा, तो लोग काम करते नहीं। मैं ये भूल जाता, मैं किसको बोलता हूँ हाँ मैं आपको कल शाम को मिलूंगा, और मैं मिलता नहीं। या मैं बोलता हूँ किसी को मैं ये काम आपके लिए करूंगा, वो मैं करता नहीं हूँ। या मैं किसको कुछ भी मैं मतलब वचन देता हूँ, बोलता हूँ, मैं कोई मेरा शब्द देता हूँ कि ये करूंगा, और मैं करता नहीं, मेरे को याद नहीं रहता। तो उनको मैं हरदम ये बोलता हूँ कि भाई याद आपको रहता नहीं, इसलिए एक तो आप ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा आपके दिमाग में काम होंगे, इतनी सारी ढेर सारी लिस्ट आपके पास में है कि आपको याद ही रहती नहीं, क्योंकि आप याद भी कैसे रखें, कितना स्ट्रेस देंगे आप अपने ब्रेन को। और वैसा भी यदि आप कोई चीजें याद रखते हैं और आप बराबर टाइम पे कर नहीं सकते, तो आपको फिर कुछ तो भी सिस्टम लगानी पड़ेगी उसके लिए, कि जो सिस्टम से आप काम करेंगे तो याद रहेगा, और याद नहीं रहता होगा तो आपकी वो सिस्टम काम करेगा। जैसे कि आप किसी को शब्द देते हैं या किसको बोलते हैं, वचन देते हैं कि मैं ये काम करूंगा, या अपने आप को बोलते हैं कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये काम करूंगा, या आपके पास में कोई काम करने की लिस्ट है कि ये मेरे को काम करने का है, तो मैं हरदम ये बोलता हूं कि आप अपने दिमाग में मत रखो। जो भी आपने शब्द दिया है, जो भी आपको काम करने का है, वो काम आपको राइट इट डाउन मतलब लिख के रखो। और आप लिख के कहाँ रख सकते हैं, छोटी छोटी बातें होंगी तो आप हाथ के ऊपर लिख सकते हैं, कुछ जो चीजें आपको याद रखनी, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आप लिख सकते हैं, या फिर मोबाइल में जो कैलेंडर्स है उसमें आप डाल सकते हैं, कलर नोट्स है एप्स उसमें आप डाल सकते हैं। आप यदि कैलेंडर में डालते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्री कैलेंडर्स बहुत उपलब्ध है कि जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, आपको बार बार घंटी बजेगी कि ये समय हो गया इसकी घंटी, ये समय हो गया इसकी घंटी, ये आपने बोला भाई मतलब ये काम करना इसकी घंटी, ऐसी घंटियां बजती जाएंगी। और जैसे जैसे घंटी बजती जाएंगी वैसे वैसे आपको याद आएंगे कि ये काम करना है। या फिर आप डायरी रखो अपने पास में जेब में, और डायरी में सुबह उठने के बाद लिखो कि भाई मुझे कौन से काम आज करना है और कौन से समय करना है, और डायरी बीच बीच में देखते जाओ, ताकि फिर वो भी भूलेंगे नहीं। क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही वीक है हर व्यक्ति की वैसे देखा जाए तो। और यदि आपको बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करना है तो ब्रेन को दिमाग को क्यों तकलीफ देना क्यों तकलीफ, भाई जो भी है वो राइट इट डाउन, जो भी आपको करना है वो लिखो, लिख के रखो, ताकि अपना ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी के लिए, काम करने के लिए खाली रहेगा। उसको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये करना है। तो आज से आपने जो भी लोग है कि जो बोलते हैं हमको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, हम किसको हाँ बोलते बाद में उसको वो शब्द उसका पालन नहीं करते, उन्होंने अपने पास में कुछ ना कुछ ऐसी छोटी डायरी कागज पर हरदम रखो, मोबाइल आपके पास में उसके ऊपर कैलेंडर डाउनलोड करो, उसकी घंटी बज जाएंगी। कहाँ लिख के रखो, मुझे किसको मिलना है या किसको मैंने टाइम दिया, तो मैं क्या करता हूँ मेरे कुर्सी के सामने कंसल्टेशन में सामने मैंने बोर्ड के ऊपर मैं लिख देता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मुझे आज 1 2 3 4 ये काम करने, इसको मिलना है, इसको ये संदेशा देना है इसको, तो बार बार वो बोर्ड दिखता है मुझे, वो बोर्ड के हिसाब से मैं काम करता हूँ, या घंटी बजती है, या मुझे जो भी काम करना है उसका मतलब रात के सोने के समय एक तो पूरा लिख के रखता हूँ कि मुझे कल क्या काम करना है, सुबह उठने के बाद में फिर वो एक बार चेक करता हूँ मुझे कौन से काम करना है, और सबके सब काम कैलेंडर में मैंने डाल के रखे, जिसकी घंटियां मुझे बार बार बजेंगी और मुझे याद रहेगा। दूसरा एक सवाल आता है कि लोग बोलते हैं कि घर में हम भूल जाते हैं कि मैंने चश्मा कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखी, या मैंने कंघी कहाँ रखी, हैंडकरचीफ कहाँ रखी। और ये प्रॉब्लम आता है काफी सारे लोगों को जो 60-65 के ऊपर जाते हैं, उनके लिए मैं हरदम ये बोलता हूँ कि भाई आप जो है वो आपको खुद को हैबिट लगा। कौन सी हैबिट, कि भाई अपनी चीज जो है वो जहां की वहीं हरदम रखना, मतलब चश्मा जो है उसकी जगह फिक्स ही रखना, वो कहीं उतार के रखना ही नहीं, क्योंकि आप अलग अलग जगह पे चश्मा रखेंगे तो याद नहीं रहेगा कि मैंने चश्मा कहाँ रखा। तो एक जगह पक्की रखो कि आपको जब भी चश्मा उतारने का है और रखने का है तो वहीं जगह पे आप रखेंगे। बाकी भी चीज जो है वो कंघी है, हैंकरचीफ है, चाबियां हैं,
जो भी है अपना मतलब इतना सिस्टम अपने खुद को लगाओ, ऐसे हैबिट लगाओ, ऐसे आपको आदत लगाओ कि आप वो चीज वहां मतलब वहीं रखेंगे, ताकि फिर भूलने का सवाल नहीं है, क्योंकि वो पक्का आपको याद है कि आपने वहीं रखा हुआ है। तो जो भी चीज आप भूल जाते हैं उसके लिए मतलब घर की जो चीजें हैं उसके लिए, तो ऐसी पक्की आप आदत लगाते हो कि जहां की चीज वहां रखना। तो फिर उम्र का जो तकाद है, उम्र के हिसाब से फिर याद नहीं रहता, वो आपको याद रहेगा। तीसरी जो एक बात है कि हम अपने आप से बातचीत करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अपने दिमाग में बातचीत चल रही, स्व संवाद टेंशन की वजह से और ज्यादा बढ़ते जाता है। टेंशन कुछ भी टेंशन है, बीमारी का टेंशन है, कोई घटना हुई है उसके बारे में, कोई किसके साथ में झंझट हुई इसके बारे में, कुछ ना कुछ दिमाग में मतलब अपने आप से बात करना चालू रहता है, स्व संवाद चालू रहता है। और वो स्व संवाद जो है अपन खुद जब है तो उसके बारे में विचार करते रहते हैं, और हम बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में विचार ही करते नहीं। मैं एकदम ये बोलता हूँ कि भाई उसको प्रेजेंट हो जाओ, तो भाई कंटिन्यूअसली हम जो स्व संवाद चले उसकी वजह से हम भूल रहे हैं। तो जो काम कर रहे हो वहां आपका ख्याल रखो, जो काम कर रहे हो उसमें अपना दिमाग डालो, और जो भी काम कर रहे हो उस समय 100% उसके साथ में रहो। जैसा खाना खा रहे हो तो खाने के साथ में 100%, टीवी देख रहे हो तो टीवी के साथ में 100%, किससे बात करे तो उसके वो व्यक्ति के साथ में 100% रहो, ताकि आपको याददाश्त के लिए अच्छा रहेगा। जैसे काफी सारी बातें हैं कि जो मेमोरी ठीक करने में या मेमोरी के जो प्रॉब्लम है उसमें आपको सहायता देगी। आपको और भी कुछ सवाल होंगे तो जरूर हमसे संपर्क करो, और भी कुछ चीजें हैं कि जो मेमोरी के बारे में हम आपको बता सकेंगे, और आपको जो टेलर मेड जो उसका सोल्यूशन है वो भी हम दे सकेंगे। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, आप जरूर, आपको अच्छा लगा जरूर ये वीडियो शेयर करो, लोगों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, फेसबुक के ग्रुप पे डालो, ताकि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है उसमें ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए उनको सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।